मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मुझे मेरे पैसे दे दो जो तुम्हें मुझे देने हैं। तुम्हें अब भी मेरे 200 रुपया देने हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं। देखिए गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस में आपको देखने को ये चीज मिलेगा कि किसी को कुछ देने के बाद हम कर रहे हैं, या फिर किसी के कुछ आभारी हम हो रहे हैं, उसको चुकाने की बात हम कर रहे हैं, है ना। सो इसके लिए हम इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज करेंगे, वो है ओ। ओ, ओ डब्ल्यू ई ओ। ओ का मतलब होता है एहसान न होना, आभारी होना या फिर देनदार होना। सो यही ओ सेंटेंस में कैसे यूज होता है, कुछ एग्जाम्पल के मदद से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, तुम्हें अब भी मेरे 200 रुपए देने हैं। देखिए किसको देने, आपको देने। सो हमारा सेंटेंस जो बन जाएगा, यू स्टिल ओ मी 200 रुपीज। यू स्टिल ओ मी 200 रुपीज, यानी कौन वो करेंगे, आप करेंगे, जो देंगे वही वो करेंगे। ओके सो हमारा सेंटेंस इस प्रकार हमने लिख दिए। सो और एक सेंटेंस देखते हैं, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, यानी मैं आभारी हूँ आपसे। सो मुझे तुमसे माफी मांगनी है, सो मैं वो करूंगी। ओके सो मेरा सेंटेंस हो जाएगा, आई वो यू एन एपोलॉजी। आई वो यू एन एपोलॉजी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं हर चीज के लिए अपने माता पिता का एहसान मंद हूँ। आई वो एवरीथिंग टू माई पेरेंट्स। आई वो एवरीथिंग टू माई पेरेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, भूलना मत तुम्हें मेरे 500 रुपए देने हैं। भूलना मत तुम्हें मेरे 500 रुपए देने हैं, कौन वो करेगा, आप करेंगे। सो हम सेंटेंस कहेंगे, डोंट फॉरगेट यू ओ मी 500 रुपीज। डोंट फॉरगेट यू ओ मी 500 रुपीज। मैं अपनी सफलता के लिए अपने पापा का आभारी हूँ। आई वो माई सक्सेस टू माई फादर। आई वो माई सक्सेस टू माई फादर। मुझे मेरे पैसे दे दो जो तुम्हें मुझे देने हैं। पे मी बैक द मनी यू ओ मी। पे मी बैक द मनी यू ओ मी। मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे कुछ देना। आई थिंक यू ओ मी समथिंग। आई थिंक यू ओ मी समथिंग। तेरे लिए एक ड्रिंक तो बनती है मेरी मदद करने के लिए। आई वो यू अ ड्रिंक फॉर हेल्पिंग मी। आई वो यू अ ड्रिंक फॉर हेल्पिंग मी।